अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और F-35C फाइटर जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया है। ये फैसला इसराइल और ईरान के बीच जंग की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर लिया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका इसराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 1 अगस्त को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में 12 नए युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत भी की और बातचीत के दौरान इसराइल की रक्षा करने का वादा किया था।